नमस्कार। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के दूसरे चैप्टर में नेहरू जी अपनी पत्नी कमला को याद करते हैं। उनका विवरण पाठकों के दिलों को संवेदना से भर देता है। वे बेहद ईमानदारी से मानवीय संबंधों की जटिलता को उजागर करते हैं, जिससे हम सभी को अपने जीवन में समय समय पर जूझना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं जवाहरलाल और कमला की अधूरी प्रेम कहानी नेहरू जी की जुबानी। 4 सितंबर 1935, मुझे अचानक अल्मोड़ा के पहाड़ी जेल से रिहा किया गया, क्योंकि खबर आई थी कि मेरी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है। वो बहुत दूर जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में बैडेनवाइलर के एक सेनेटोरियम में भर्ती थी। मैं अल्मोड़ा जेल से अपनी रिहाई के 5 दिन बाद 9 सितंबर की शाम को वहां पहुंच पाया। जब मैंने कमला को देखा तो उसके चेहरे पर वही पुरानी साहसी मुस्कान थी, लेकिन वो इतनी कमजोर और दर्द से आहत थी कि ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। शायद मेरे आने से फर्क पड़ा, क्योंकि अगले दिन और उसके बाद कुछ दिनों तक उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार नजर आया, लेकिन संकट जारी रहा और धीरे धीरे उसके जीवन की लौ कम होती गई। उसकी मृत्यु के विचार को स्वीकार करने में अक्षम, मैंने अपने आप को ख्याली दिलासा दी कि उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है और यदि वो इस बार के संकट से उभर जाए तो शायद ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने भी, जैसा कि उनका तरीका होता है, मुझे आशान्वित किया। ऐसा लग रहा था कि तात्कालिक संकट टल गया है और कमला मोर्चे पर डटी है। वो लंबी बातचीत के लिए पूरी तरह से स्वस्थ तो कभी नहीं हुई। हम थोड़ी देर बात करते थे और जैसे ही मैं देखता था कि उसे थकान हो रही है तो मैं रुक जाता था। कभी कभी मैं उसे कुछ पढ़कर भी सुनाता था। रोज सुबह और दोपहर को मैं उस छोटे से शहर में स्थित अपने निवास से लेकर सेनेटोरियम तक पैदल जाकर उसके साथ कुछ घंटे बिताता था। मेरे मन में बहुत सारी बातें थी जो मैं उसे बताना चाहता था, परंतु फिर मुझे खुद को रोकना पड़ता था। कभी कभी हम पुराने समय, पुरानी यादों, भारत में अपने कॉमन फ्रेंड्स के बारे में कुछ बातें करते थे। कभी कभी दिल में एक टीज के साथ हम भविष्य की बात करते थे कि आने वाले दिनों में हम क्या क्या करेंगे। अपने नाजुक हालत के बावजूद वो भविष्य की डोर को कस कर थामे रहती थी। उसकी आंखों में चमक और जीवंतता थी, चेहरे पर साधारणतया खुशी रहती थी। गाहे बेगाहे आने वाले मित्रों को सुखद आश्चर्य होता था कि वो उनकी कल्पना से कहीं अधिक बेहतर नजर आ रही है। उसकी चमकती आंखें और मुस्कुराता चेहरा उन्हें भ्रमित कर देता था। वापस अपने कमरे के एकांत में कमला की सैकड़ों तस्वीरें, उसके समृद्ध और गहन व्यक्तित्व के सैकड़ों पहलू एक के बाद एक मेरे मानस पटल पर आते रहे। हमारी शादी को लगभग 20 साल हो चुके थे और फिर भी कई बार वो अपने किसी नए बौद्धिक या आध्यात्मिक पहलू से मुझे चौंका देती थी। मैं उसे अनेक तरह से जानता था और बाद के वर्षों में मैंने उसे समझने की भरपूर कोशिश की। हालांकि मैं उसे समझने में असफल तो नहीं रहा, फिर भी मैं अक्सर सोच में पड़ जाता था कि अब मैं वास्तव में उसे जानता हूँ या समझता हूँ। उसके बारे में कुछ जादुई सा था, कुछ परियों जैसा, वास्तविक लेकिन अमूर्त, जिसे छू पाना संभव नहीं था। कभी कभी मैं उसकी आंखों में एक अनजान व्यक्ति को झांकता हुआ पाता था। कमला हमारे घर में एक भोली सी लड़की के रूप में आई थी। उसमें शायद ही कोई जटिलता थी जो कि आजकल एक सामान्य बात मानी जाती है। उसने पूरी तरह से अपना लड़कीपना नहीं खोया था, लेकिन जैसे जैसे एक महिला के रूप में उसका व्यक्तित्व उभरा, उसकी आंखों में गहराई और अग्नि का सा तेज आ गया और वे उन शांत तालाबों का आभास देने लगी जिनके पीछे तूफान चल रहे हों। कमला नए जमाने की लड़कियों की तरह नहीं थी, उसमें उनकी जैसी नई आदतें और शिष्टता का भाव नहीं था। फिर भी उसने आधुनिक तरीकों को आसानी से अपना लिया था। मूलतः वह एक भारतीय लड़की थी, विशेषकर कश्मीरी लड़की, संवेदनशील और स्वाभिमानी, बच्चों जैसी भी और वयस्क भी, भोली भी और समझदार भी। वह उन लोगों के समक्ष संयम से पेश आती थी जिन्हें वह नहीं जानती थी या नापसंद करती थी, लेकिन अपने पहचान वाले और पसंदीदा लोगों के सामने वह खुलकर हंसती और बतियाती थी। वो किसी भी विषय पर अपनी राय देने में देर नहीं लगाती थी। जरूरी नहीं कि उसकी राय हमेशा निष्पक्ष या सही हो, लेकिन वो अपनी सहज पसंद और नापसंद पर अडिग रहती थी। उसमें कोई कपट नहीं था। यदि वो किसी को नापसंद करती थी तो वो दिख जाता था और वो उसे छुपाने की कोशिश भी नहीं करती थी। अगर वो अपनी नापसंदगी छिपाने का प्रयास भी करती तो शायद वो सफल नहीं हो पाती। मैं ऐसे बहुत ही कम लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मुझ पर ऐसी ईमानदारी की छाप छोड़ी है। अपने एकांत कमरे में मैं हम दोनों की शादी के प्रारंभिक वर्षों को याद करता हूँ, जब कमला को बेहद पसंद करने के बावजूद मैं उसे लगभग भूल सा गया था और उसे वो मित्रता और साहचर्य नहीं दे पाया था जो उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि तब मुझ पर एक जुनून सवार था। मैं पूरी तरह से देश के लिए समर्पित था। मैं एक ख्याली दुनिया में जी रहा था और अपने आसपास के लोगों को छद्म छाया के रूप में देखता था। मैं अपनी पूरी क्षमता से आज़ादी की लड़ाई में शामिल था और मेरा दिमाग उसी में सरोवर और
उलझा रहता था। मैंने अपनी सारी शक्ति उस कार्य में लगा दी थी और मेरे पास किसी और के लिए कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि मैं कमला को भूल जाता था। इसके विपरीत बार बार उसके पास लौटता था। वो मेरा एक विश्वसनीय संबल और सहारा थी। जब मैं कई दिनों तक उससे दूर रहता था तो उसके बारे में सोचकर मेरे दिल को सुकून मिलता था और मैं घर लौटने को बेसब्री से इंतजार करता था। मैं सोचता हूँ कि जीवन में मैं क्या कर पाता अगर वो समय समय पर मुझे सांत्वना और शक्ति देकर मेरे क्लांत दिमाग और शरीर को पुनर्ऊर्जित ना करती। मैंने वो सब कुछ ग्रहण किया जो उसने मुझे दिया, पर उन शुरुआती वर्षों में बदले में मैंने उसे क्या दिया। जाहिर तौर पर मैं नाकाम रहा। संभवतः उन दिनों का गहरा असर वो हमेशा दिल में लगाए रही। अपने अत्यधिक गर्व और संवेदनशीलता के कारण वो मुझसे मदद नहीं मांगती थी, हालांकि मैं औरों की बनस्पत उसकी ज़्यादा मदद कर सकता था। वो केवल अपने पति की अनुगामी और छाया न बनकर आज़ादी की लड़ाई में खुद की हिस्सेदारी निभाना चाहती थी। वो खुद को और दुनिया के सामने अपने को सही साबित करना चाहती थी। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी, लेकिन मैं अपनी व्यस्तता में सतह से नीचे कभी देख ही नहीं पाया और उसकी चाहत और उसकी तमन्नाओं को नहीं जान पाया। और फिर जेल ने या फिर उसकी बीमारी ने अक्सर मुझे उससे दूर रखा। मानो टैगोर के नाटक की चित्रा की तरह वो मुझसे कह रही हो, मैं चित्रा हूँ, कोई देवी नहीं जिसकी पूजा की जाए, नहीं दया की पात्र हूँ जिसे बिना सोचे पतंगे की तरह एक तरफ झटक दिया जाए। यदि आप खतरे और साहस के रास्ते में मुझे अपने साथ रखने की हिम्मत रखते हैं, यदि आप मुझे अपने जीवन के महान कर्तव्यों में भागीदार बनाएंगे, तभी आप मेरे सच्चे रूप को जान पाएंगे। लेकिन ये बात उसने मुझे शब्दों में नहीं कही, बल्कि काफी समय बाद धीरे धीरे मैंने उसकी आंखों में यह संदेश पढ़ा। 1930 के शुरुआती महीनों में मैंने उसकी आकांक्षाओं को जाना और हमने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और उसमें मुझे एक अलग ही खुशी मिली। हम कुछ समय तक स्वतंत्रता संग्राम के जोखिमों से जूझते रहे। घने बादल उमड़ रहे थे, देश में बदलाव की उम्मीद थी। वे हमारे लिए बेहद सुखद महीने थे, लेकिन वो बहुत जल्दी बीत गए और अप्रैल के शुरुआत में देश में असहयोग आंदोलन और सरकारी दमन शुरू हो गया और मुझे फिर से जेल भेज दिया गया। हम में से अधिकांश पुरुष जेल में पहुंच गए और फिर एक उल्लेखनीय बात हुई। हमारी महिलाओं ने आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन की कमान संभाल ली। जब इसकी खबर हम तक पहुंची तो भारत की महिलाओं के प्रति हमारे दिलों में असीम गर्व और आंखों में अश्रु भर आए। मैं नैनी जेल में इस खबर के रोमांच को कभी नहीं भूल सकता। इस क्रांति के दौरान कमला ने एक साहसी और उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जब हर जाना माना कार्यकर्ता जेल में था तो उसके अनुभवहीन कंधों पर इलाहाबाद शहर के कांग्रेस का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी आ गई। उसने अपने तेज तर्रार व्यक्तित्व और थक प्रयासों से अपनी अनुभवहीनता की भरपाई की और कुछ ही महीनों में इलाहाबाद का गौरव बन गई। हमारी अगली मुलाकात मेरे पिताजी की अंतिम बीमारी और उनकी मृत्यु के माहौल में हुई। हम मित्रता के और समझदारी के एक नए स्तर पर मिले। कुछ महीनों बाद जब हम अपनी बेटी के साथ पहली और आखिरी छुट्टी मनाने के लिए सीलोन गए तो ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को नए सिरे से जान रहे हैं। बीते हुए सभी वर्ष जो हमने एक साथ गुजारे थे वे इस नए और घनिष्ठ संबंध की तैयारी मात्र थे। हम सीलोन से बहुत जल्दी वापस आ गए और मैं काम में व्यस्त हो गया और फिर जेल चला गया। एक के बाद एक आने वाली दो दो साल की लंबी जेल यात्राओं के बीच हमारा थोड़े समय का साथ रहा। उसके अलावा न साथ छुट्टियां मनाना, न साथ काम करना, यहाँ तक कि साथ रहने का भी सौभाग्य न मिला। और दूसरी जेल टर्म खत्म होने से पहले कमला मृत्यु के द्वार पर थी। जब फरवरी 1934 को मुझे कलकत्ता वारंट पर गिरफ्तार किया जा रहा था तब कमला मेरे लिए कुछ कपड़े लेने हमारे कमरे में गई थी। मैं उसे अलविदा कहने के लिए उसके पीछे गया। अचानक वो मुझसे लिपट गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। ये असामान्य बात थी क्योंकि हमने जेल जाने की प्रक्रिया को हल्के ढंग से और हंसी खुशी से लेने और इसके बारे में जितना हो सके उतना कम शोर या दिखावा करने के लिए खुद को तैयार किया हुआ था। क्या उसे कोई पूर्वाभास था कि हमारी आखिरी कमोवेश नॉर्मल मुलाकात थी? मेरे और उसके बीच दो दो साल की दो लंबी जेल सजाएं तब आई जब हमको एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक तब जब हम एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। जेल में लंबे दिनों के दौरान मैं इस बारे में सोचता था और अब भी मुझे उम्मीद थी कि एक समय जरूर आएगा जब हम फिर से एक साथ होंगे। ये वर्ष उसने किस तरह काटे मैं अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं जान सकता क्योंकि जेल में मिलने के समय या कुछ समय के लिए जब मैं बाहर था उस समय देश में असाधारण माहौल था। हमें
हमेशा अच्छे से पेश आना होता था इस डर से कि अपनी परेशानी दिखाकर दूसरों को दुख ना पहुंचा दें। लेकिन ये स्पष्ट था कि कई बातों को लेकर वो बहुत परेशान है और व्यथित है। उसके मन में शांति नहीं थी। मैं शायद उसकी मदद कर सकता था, लेकिन जेल में रहते हुए मैं कुछ नहीं कर पाया। बैडेनवाइलर में मेरे लंबे एकांत समय के दौरान इसी तरह से मेरा पिछला जीवन मेरे समक्ष रील की तरह घुल रहा था और उसमें मैं कमला को हमेशा अपने पास खड़ा पाता था। वो भारतीय महिलाओं की, या कहें तो सब महिलाओं की प्रतीक बन गई थी। कभी कभी वो मेरे मन में अजीब तरीके से भारत की संकल्पना के साथ घुल मिल जाती थी। भारत जो हमारी प्रिय भूमि है, जो अपने अनेक दोष और कमजोरियों के बावजूद इतनी मायावी, इतनी रहस्यमयी है। कमला क्या थी? क्या मैं उसे जानता था? उसके वास्तविक रूप को समझता था? क्या वह मुझे जानती थी या समझती थी? क्योंकि मैं भी एक असामान्य व्यक्ति था जिसके भीतर रहस्य और ऐसी अनदेखी गहराई थी जिसका मुझे खुद भी अंदाज नहीं था। दिसंबर 1935 के आखिरी दिनों में कमला की हालत में कुछ सुधार हुआ। सुधार बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन पिछले हफ्तों के तनाव के बाद हमें बड़ी राहत मिली। वो एक संकट से उबर कर स्थायी अवस्था में आ गई थी, जो एक छोटी सी जीत थी। जैसे जैसे क्रिसमस का समय नजदीक आ रहा था, कमला की तबीयत और खराब होती गई। इस बार जो संकट आया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका जीवन एक कच्चे धागे से झूल रहा हो। 1935 के उन आखिरी दिनों में मैं बर्फ और कीचड़ में धंस कर राह ढूंढ रहा था, ये जाने बिना कि कमला कितने दिन या कितने घंटे और जीवित रहेगी। सफेद बर्फ की चादर ओढ़े, जाड़ों का शांत दृश्य, मृत्यु पश्चात ठंडी पड़ी देह की शांति का आभास दे रहा था और मेरी आशाओं का, मेरे आशावाद का महल दहने लगा था। लेकिन कमला ने इस संकट में भी मुकाबला किया और अद्भुत जीवटता के साथ इससे बच गई। उसकी हालत में सुधार हुआ और वो पहले से अधिक खुश नजर आई। बैडेनवाइलर से दूर ले जाने की गुजारिश करने लगी। वह उस जगह से थक गई थी। दूसरा कारण ये भी था कि सैनिटोरियम में एक ऐसे मरीज की मृत्यु हो गई थी जो कभी कभी उसके लिए फूल भेजता था और एक या दो बार उसे मिलने भी आया था। वो मरीज एक आयरिश लड़का था, कमला से बहुत बेहतर हालात में था और उसे बाहर घूमने की अनुमति भी थी। हमने उसकी आकस्मिक मृत्यु की खबर कमला से छुपाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छिपा पाए। जो लोग बीमार होते हैं और विशेष रूप से वे जिन्हें दुर्भाग्यवश सैनिटोरियम में रहना पड़ता है, उनमें एक तरह से छठी इंद्रिय विकसित हो जाती है जो उन्हें वो सब बता देती है जो उससे छुपाया जाता है। जनवरी 1936 के अंत में कमला को बैडेनवाइलर से स्विट्जरलैंड के लॉजेन के पास एक सैनिटोरियम में ले जाया गया। कमला और मुझे दोनों को ये बदलाव पसंद आया। वो यहाँ ज्यादा खुश थी और मुझे भी स्विट्जरलैंड की इस पूर्व परिचित जगह में घर जैसा महसूस हुआ। उसकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया और ऐसा लग रहा था कि आगे कोई बड़ी परेशानी भी नहीं होगी। काफी समय तक उसके वैसे ही बने रहने और धीरे धीरे सुधार होने की संभावना थी। इस बीच भारत माँ लगातार मुझे बुला रही थी और वहाँ मौजूद मित्र मुझ पर वापस लौटने का दबाव डाल रहे थे। मैंने कमला से इस विषय पर भी चर्चा की और डॉक्टर से भी सलाह ली। वे मेरे भारत लौटने की बात पर सहमत हो गए और मैंने डच के एलम एयरलाइंस से अपना टिकट बुक करवाया। जैसे जैसे मेरे जाने का दिन करीब आ रहा था, कमला में एक हल्का सा बदलाव नजर आया। बाहरी शारीरिक अवस्था बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन लग रहा था कि उसका दिमाग बाहरी परिवेश में कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहा है। वो कहती थी कि उसे कोई बुला रहा है या उसने कमरे में किसी को आते देखा, जबकि मुझे कोई नहीं दिखता था। 28 फरवरी की सुबह उसने अंतिम सांसें ली। इंदिरा वहाँ थी और हमारे विश्वसनीय मित्र इन महीनों के निरंतर साथी डॉक्टर एम अटल भी थे। स्विट्जरलैंड के पड़ोसी शहरों से कुछ अन्य दोस्त आए और हम कमला को लॉजेन के शमशान में ले गए। कुछ ही मिनटों में वो उज्जवल काया और वो प्यारा सा चेहरा जो बात बात पर लुभावनी मुस्कुराहट बिखेरता था, जलकर राख हो गया। एक जीवंत, प्रतिभावान और जीवन से भरपूर प्यार करने वाले व्यक्ति के नश्वर अवशेष एक छोटे से कलश में सिमट आए। उसे लेकर मुझे भारत लौटना था। कुछ समय के लिए यात्रा की व्यवस्थाओं और कुछ घटनाओं ने मेरे दिमाग को व्यस्त रखा, लेकिन कायरो छोड़ने और उस उजाड़ रेगिस्तानी इलाके में घंटे दर घंटे उड़ान भरने के बाद एक भयावह अकेलेपन ने मुझे घेर लिया और मैं रिक्त और उद्देश्यहीन महसूस करने लगा। मैं अकेले अपने घर वापस जा रहा था, जो अब मेरे लिए घर नहीं था। और हवाई जहाज में मेरे बगल में एक बास्केट थी और उस बास्केट में एक कलश। कमला अब इसमें सिमट गई थी और हमारे भविष्य के सब उज्जवल स्वप्न भी मर कर राख में मिल गए। वो नहीं रही, कमला नहीं रही, मेरा मन यही दोहराता रहा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।